हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं बढ़िया यस yes, सर आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे बी डी ए बी डी ओके बिजनेस डेटा एनालिसिस जब भी बी डी आता है तो अपना नाम याद आता है डी बी यानी दिलीप बदलानी चलो बिजनेस डेटा एनालिसिस ये है क्या बिजनेस डेटा एनालिट्स और क्या काम करता है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बिजनेस डेटा एनालिटिक्स हम लोग अब जो करने जा रहे हैं ना वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे सो दैट वी कैन गेट अ यूजफुल डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नाउ द रॉ मेटीरियल विल बी कन्वर्टेड इन टू इन टू द फिनिश गोर्स दैट्स इट हम करने क्या जा रहे हैं एक रॉ मेटीरियल को लेंगे दैट इज डेटा एंड वी विल कन्वर्ट इन टू द फिनिश गुड्स अगेन दैट इज डेटा यानी रॉ मेटेरियल डेटा को हम फिनिश गुड्स डेटा में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको करने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मेटेरियल होना चाहिए डेटा होना चाहिए डेटा को एनालिसिस करने के लिए वी मस्ट है हमें कुछ चाहिए क्या कुछ पाना है अच्छा कुछ चाहिए तो क्या चाहिए रॉ मेटेरियल यानी कि डेटा रॉ फॉर्म में डेटा चाहिए जो हमारा रॉ फॉर्म में डेटा होता है वो हमारा ये होता है और जब हम इसको ये रूट कॉज होता है एक तरह से ये डेटा है इंफॉर्मेशन की रूट कॉज का किसका इंफॉर्मेशन की रूट कॉज का हमें चाहिए कुछ तो हमें डेटा चाहिए उस डेटा से क्या करेंगे उस डेटा को प्रोसेस्ड करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके नॉलेज मिल सके यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके यानी रॉ इंफॉर्मेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने क्या बोला ये रॉ इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस्ड करके किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन में यानी इन्फो विल ड इट सेल्फ इन्फो बट यस दैट विल बी द यूजफुल वन और ये केवल नॉलेज से ही पॉसिबल है रॉ मेटीरियल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें फिनिश कोर्स में आप बस ये समझ लीजिए वॉट इज इन्फॉर्मेशन एज वी डिस्कस डेटा नीड्स टू प्रोसेस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन या अब अब हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ये बिजनेस डेटा एनालिसिस या एनालिटिक्स का काम क्या होता है जरा ढंग से सोचें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा अपना कि डेटा क्या होता है इंफॉर्मेशन क्या होती है डेटा कितने प्रकार के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकते हैं उनके की प्रॉपर्टीज या फीचर्स क्या होते हैं हाँ या ना ये सा, ये सारी चीजें हम लोग अब देखेंगे तो फर्स्ट हमें ये पता करना है व्हाट इज इंफॉर्मेशन व्हाट इज नॉलेज एंड नेचर ऑफ डेटा डेटा ये ये व्हाट इज इंफॉर्मेशन व्हाट इज नॉलेज इंफॉर्मेशन क्या है डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें रॉ मेटेरियल का डेटा चाहिए हमें रॉ मेटेरियल का डेटा चाहिए मोस्ट कॉमनली वी टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड एक्सपो एक्सपोनेशियल ग्रोथ इन अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड सॉफ्टवेयर पैकेज लीड्स टू ग्रोथ ऑफ डेटा साइंस इन रिसेंट ईयर अब आप देखो जब भी आप ऑनलाइन जाते हो मोबाइल वगैरह जाते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है कंपनियां आपसे डेटा कलेक्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट आप जब कर, जाते हो किसी मॉल में शॉपिंग करने तो फीडबैक फॉर्म आ जाता है ऑटोमेटिकली आप जो जो बाय करते हो वो सब डेटा कंप्यूटर uh, में रिकॉर्ड होता है सोचो आप जो कुछ भी बाय करते हो किसी मार्ट वगैरह में जाते हो आपका सारा डेटा रखा जाता है पहले आप जब खरीदते थे अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो यू जस्ट बेंड इन द मार्केट एंड परचेज सम मैटेरियल एंड गुड्स एज यू रिक्वायर्ड एंड यू जस्ट पे द अमाउंट इन कैश और bank that's it that was simple purchase and sales but now the system has or the market has got change ye kya change ho chuka hai ye change ho chuka hai ki ab jo kuch bhi aap buy karte ho आप सब online buy कर रहे हो आप एक एक चीज की information वहां दे रहे हो और ये सब कहीं ना कहीं data इकट्ठा हो रहा है वही data वही कंपनियां दूसरी कंपनियां कंपटीशन के तौर पर यूज करती हैं और मार्केट को कैप्चर करती हैं मोल्ड करती हैं तो बेसिकली डेटा का क्या रोल है वो ये बता रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करें तो या सी की बात करें तो उनको डेटा प्रोसेस्ड करने आना चाहिए ना कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रोफेशनल कैपेसिटी बल्कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी डेटा को प्रोसेस करने आना चाहिए हम लोग को हर चीज का एंड रिजल्ट मालूम होना चाहिए वी आर नॉट एक्सपर्ट मीन्स हम लोग कोई ज्योतिष नहीं करते हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं उसके बाद हम उसका रिजल्ट देते हैं वॉट इज नॉलेज वेन दी इंफॉर्मेशन जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है इज यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम वी से इट्स द यूज ऑफ द नॉलेज हमने डेटा लिया प्रोसेस किया एक रिजल्ट बनाया अब हम उस रिजल्ट का यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में या ऑब्जर्वेशन करने में या फिर एक नई डेटा निकालने में फिर एक नया नॉलेज गेन करने में कुछ भी हो सकता है एक फ्लो चार्ट बन सकता है बाय हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट हाइएस्ट टेम्परेचर इन कोलकाता दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमें यह पता करना पड़ेगा कितने एयर कंडीशनर बिक सकते हैं अगर कोलकाता में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है समर वैकेशन समर सीजन में तो कितने ए बिक सकते हैं अब कंपनियां दौड़ेंगी डेटा पता करने के लिए लास्ट ईयर क्या था इस साल क्या होगा लास्ट ईयर दस हजार ए सी बिके थे कोलकाता में तो क्या क्या इस साल बिक सकते हैं दे जस्ट टू हैव द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द लास्ट ईयर हाँ या ना लोगों का एक ट्रेंड पता चलेगा किस तरह का ए खरीदना चाहते हैं स्प्लिट ए ज्यादा बिकता है या विंडो एसी ज्यादा बिकता है स्प्लिट ए में किस तरह की क्वालिटी लोग पसंद करते हैं सिंगल स्टार डबल स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार इसी तरह जो स्प्लिट ए में दूसरा कन्वर्ट कन्वर्ट

नेचर ऑफ डेटा डेटा का नेचर क्या है न्यूमेरिकल डेटा हो सकता बिल्कुल है बिल्कुल ठीक है डिस्क्रिप्टिव डेटा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है डेटा किस तरह से होता है न्यूमेरिकल डेटा बेटा रोल नंबर क्या था आपका एग्जाम में सर एट दैट इज न्यूमेरिकल डेटा अच्छा कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक ये सारा डेटा होता है हाँ? अच्छा लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था उसके पहले के साल में कितना प्रॉफिट होता अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। कितनी सेल पर कितना प्रॉफिट होता कितना जीपी हुआ था दीज आर न्यूमेरिकल डेटा डिस्क्रिप्टिव डेटा कुछ डेटा डिस्क्रिप्टिव होते हैं जरूरी नहीं हर चीज न्यूमेरिकल डेटा ही एक्सप्रेस करे कभी 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 कभी, कभी क्या डेटा कई तरह के होते हैं हमें न्यूमेरिकल की जरूरत ही नहीं है अच्छा पिछले साल ज्यादा गर्मी थी या इस साल ज्यादा गर्मी है अच्छा पिछले साल कंपनी uh, ने ज्यादा कमाया या इस साल ज्यादा कमाया कितना कमाया आई एम नॉट कंसर्न विद दैट थिंग आई एम जस्ट कंसर्न विद दो सिचुएशन ऑफ द कंपनी या ना में जवाब आ जाएगा आई डू नॉट वांट एनी न्यूमेरिकल डेटा तो कई केसेस में आपको न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती कई केसेस में आपको न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है तो एक होता है न्यूमेरिकल डेटा एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा एक होता है ग्राफिकल डेटा आपने देखा होगा बार चार्ट वगैरह बने रहते हैं इस तरह से हाँ या ना ये और दूसरा इस तरह का चार्ट बना रहता है तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पाई वगैरह भी होते हैं स्ट्रक्चर डेटा होता है अनस्ट्रक्चर डेटा होता है स्ट्रक्चर डेटा जि, जिसका एक सिक्वेंस होता है स्ट्रक्चर्ड यानी कि हर चीज अपने सिस्टमेटिक वे में रखी होती है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं कह दूं हर साल का हमको कैश बैलेंस बताओ पिछले पांच साल का या हर महीने के एंड का हमको एक कैश बैलेंस बताओ तो जनवरी फेबर मार्च का हमको कैश बैलेंस पता चलेगा दिस इज ए स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है चलो हमें पता करके बताओ हर कंपनी का लास्ट मंथ में कितना कैश बैलेंस था तो किसी भी कंपनी का उसमें अब हम एसेंडेंट फॉर्म में रख सकते हैं डिसेंडेंट फॉर्म में रख सकते हैं उसको हम अल्फाबेडिकल नेम वाइज रख सकते हैं कंपनियों का टॉप टेन की लिस्ट वाली कंपनियों का डेटा अलग कर, कर सकते हैं टॉप टेन लास्ट की अलग कर सकते हैं मीन्स अनस्ट्रक्चर डेटा मिक्स होता है वी हैव टू प्रोसेस दो इंफॉर्मेशन टू गेट द यूजफुल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट सेट तो स्ट्रक्चर डेटा जो एकदम सिक्वेंस में दिया हो उसको सिक्वेंशियल डेटा भी कह सकते हैं और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको अब हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना हो या हमें ना लाना हो हमें कुछ चीजों की जरूरत हो एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा डेटा जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं एक होता है क्वालिटेटिव डेटा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है ऊपर हमने बता दिया है तो डेटा दो तरह के होते हैं न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव होता है न्यूमेरिकल डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा को हम uh, क्वालिटेटिव डेटा भी बोल सकते हैं कंटिन्यूस डेटा कंटिन्यूस डेटा का मतलब होता है एक एक तो एक के के बाद बाद चलो पिछले सालों का प्रॉफिट बताओ तो डेटा और एक होता है कैटेगरिकल डेटा चलो कैटेगरी वाइज हमें ना इस कंपनी के, के स्टील डिवीजन का अलग करो इस कंपनी के स्टील डिवीजन को देखो ये होता है कैटेगरी वाइज प्रॉफिट को पता करना या डेटा को एनालिसिस करना तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो डेटा वही है डेटा एक ही कंपनी का लेकर उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल में भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी ले सकते हैं या क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव में ले सकते हैं कंटिन्यूअस में ले सकते हैं या फिर आप कैटेगरिकल में ले सकते हैं यह आपके ऊपर है डेटा वही हो सकता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में हो सकता प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा प्रॉपर्टीज क्या है डेटा की अच्छा मैंने एक वर्ड शुरू में नहीं बताया था आप लोग को और मैंने यहां पर ये चीज़ आपको दी भी हुई है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो जैसे फर्स्ट थी आपकी, ये अगर आप लोग को दिक्कत आती है वॉट इज टेक्स्ट स्ट्रिंज तो दिस इज मिक्सचर दिस इज दिक्सचर टेक्स्ट स्ट्रिंज इज अ सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ यानी आपके घर का एड्रेस क्या है तो आप कहोगे हाउस नंबर वन टू थ्री फलाना गली ये शहर ऐसे बोलते हो ना तो दैट इज द मिक्सचर ऑफ द न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिक्स करके जिसमें लेटर्स भी होते हैं नंबर्स भी होते हैं सिंबल्स भी होते हैं स्पेस भी होते हैं हेलो वर्ल्ड मेन स्ट्रीट द क्विक फलाना यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है टेक्स्ट स्ट्रेंज तो आप कंफ्यूज आ रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया दूसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा अब आपके स्टडी मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा दिया है दैट इज ऑनली पिक्टोरियल फॉर्म कि आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए एक्यूरेसी है कंप्लीटनेस है कंसिस्टेंसी है रेलिवेंस डेटा होना चाहिए टाइमलीनेस है वैलिडिटी है एंड द लास्ट वन एक्सेसिबिलिटी है इसका मैंने डिटेल में आपको यहां पर दे दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा को आप पढ़ सकें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डेटा की द फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी डेटा एक्यूरेट होना चाहिए मुझे अगर पता करना हो कि पिछले दस सालों में टेंपरेचर कोलकाता का कितने हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन एक्यूरेट फॉर्म सो दैट वी कैन फॉरकास्ट द फ्यूचर हम फ्यूचर uh, को फोरकास्ट कर सकें तो उसके लिए हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है इनएक्यूरेट डेटा से आपका काम खराब हो जाएगा प्रॉपर्टीज डेटा यू जस्ट वांट टू हैव द डेटा गलत इनपुट से गलत आउटपुट निकलेगा गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट कूड़ा डालोगे कूड़ा पाओगे गलत इंफॉर्मेशन ले लोगे तो गलत आंसर या गलत रिजल्ट या गलत एनालिसिस करोगे और हम लोग बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का काम करने जा रहे हैं तो वी जस्ट है एक्यूरेट डेटा बोलो कंप्लीटनेस <coughs> डेटा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए बेटा डेटा कंप्लीट होना चाहिए डेटा इट्सल्फ इज अ सिंगुलर एंड द प्लूरल वर्ड डेटा एक भी हो सकता है सिंगल डेटा को भी हम डेटा बोलेंगे और सो मेनी डिफरेंट डेटा को भी हम डेटा बोलेंगे बेटा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि डेटा इज अ सिंगुलर एज वेल एज अ प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ड नॉट द वर्ब कंप्लीटनेस तो पहला होता है एक्यूरेसी दूसरा होता है कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट डेटा आपको गलत रिजल्ट निकाल देगा तो एक तो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए कंप्लीट डेटा होना चाहिए आधा अधूरा डेटा नहीं होना चाहिए कंसिस्टेंसी द डिग्री टू विच डेटा इज फ्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन और इनकंसिस्टेंसीज डेटा कंसिस्टेंट uh, फॉर्म में होना चाहिए कुछ मिसिंग ना हो बीच में एक्यूरेट है कंप्लीट है और कंप्लीट में भी कंसिस्टेंट वे में हो ठीक है ना कुछ मिसिंग डेटा ना हो इनकंसिस्टेंट यानी कि एक डेटा दूसरे को रिप्रेजेंट करे दूसरा तीसरे को रिप्रेजेंट करे या तीसरा पहले के दो को रिप्रेजेंट करे डेटा इस फॉर्म में होना चाहिए और इसी को देखो वर्ड लिखा है डेटा बेस टाइमलीनेस समय पर होना चाहिए ऐसा नहीं समय बीत जाए तो बेकार है सीएमए का एग्जाम देने जा रहे हैं जून में और फरवरी में रिजल्ट आ गया छोड़ो फरवरी में अभी एग्जाम दूर है हम मार्च में रिजल्ट पता करेंगे हम सोने का मन कर रहा है अभी रिजल्ट पता करके क्यों टेंशन ले तो मार्च तक सो ही रहे हैं अप्रैल भी बीत गया मई में ओ हो 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 पास नहीं हुए चलो दोबारा मेहनत करते हैं अरे कंप्लीट टाइमलीनेस यू जस्ट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन समय पर मिलनी चाहिए अगर समय पर डेटा मिल जाए तो बात ही दूसरी है समय पर अगर डेटा मिल जाए समय पर काम मिल जाए एक्यूरेट डेटा कंप्लीट डेटा हाँ ना कंसिस्टेंट डेटा और उसके बाद है टाइमलीनेस समय पर मिलना चाहिए रिलायबल <laughs> आपके जो सोर्सेज होने चाहिए वो उस पर आप विश्वास कर सके जिन सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दो रिसोर्सेज और सोर्सेज मस्ट बी रिलायबल वन और यूनिकनेस ठीक है कहने का मतलब यह है कि ये डेटा की प्रॉपर्टीज हैं और ये आपका टॉपिक होता है खत्म फर्स्ट डेटा कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कितने तरह के होते हैं डेटा बेसिकली क्वांटिटेटिव होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं और इसको भी मैंने यहां पर दे रखा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा आप पता करते हो सर्वे से एक्सपेरिमेंट से क्वालिटेटिव डेटा आप इंटरव्यूज से ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हो क्वालिटेटिव डेटा आपको कस्टमर फीडबैक मिलता है ओपिनियंस मिलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा किसी कंपनी की सेल्स फिगर हाइट्स और वेट से भी पता एज से भी पता चल सकता है मतलब क्या हाइट है ये क्वांटिटेटिव डेटा है क्या एज है क्या ये क्वांटिटेटिव डेटा है ये सेल्स फिगर क्या है ये क्वांटिटेटिव डेटा है क्वालिटेटिव डेटा कस्टमर का फीडबैक मिला उसका ओपिनियन फॉर्म मिला वो होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा ठीक है तो ये हमारे दो तरह के डेटा हो गए और अगर हम अपने सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल डेटा होता है फाइनेंशियल डेटा में पीएल अकाउंट होता है बैलेंस शीट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कॉस्ट डेटा होता है प्राइम कॉस्ट होता है याद आ रहा होगा प्राइम कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वर्क्स कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है कॉस्ट ऑफ गुड्सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है बजटेड डेटा अलग होता है भाई बजटेड डेटा कहता है ये प्लांट एक्सपेंडिचर है ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है दोनों के बीच की बात करता है एक होता है हमारा मार्केट डेटा स्टॉक प्राइसेस क्या जा रही हैं इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या करते हैं कस्टमर डेटा फीडबैक फॉर्म वगैरह जैसे फिगर कस्टमर बिहेवियर एंड डेमोग्राफीज ये हमारे डेटा के टाइप्स होते हैं बेटा बहुत ही सिंपल था ना यस सर बहुत ही सिंपल था नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे तो हम बात करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय मैं फिर से बता दूं बहुत ही इजी टॉपिक है और बैठे बैठे ट्वेंटी मार्क्स का वेटेज है आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में ट्वेंटी मार्क्स का चैप्टर नंबर एट से फाइव परसेंट का चैप्टर नंबर नाइन से फाइव मार्क्स का टेन से फाइव मार्क्स का इलेवन से फाइव मार्क्स का तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा लेकिन थोड़ा स्पीड में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ये है डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग दिस इज द लास्ट चैप्टर ठीक है तो एट नाइन टेन इलेवन आपको देखना है उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट टन टना टन टन तो एट में भी लगभग आधा हम लोगों ने कर लिया नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए चार एंड बाय बाय थैंक यू थैंक्स अ लॉट